अपनी जिंदगी की बागडोर थामे। एक व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है, वह व्यक्ति इस निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज हो जाता है। जब तक वह अपने बॉस और कंपनी के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराते रहेगा, नकारात्मक भावना उसे नियंत्रित करती रहेगी और उसकी जिंदगी तथा सोच पर हावी रहेगी। लेकिन जैसे वो कहता है, ठीक है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, इस तरह की चीजें होती रहती है, मुझे नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाना चाहिए। जैसे उसकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती है, उसका दिमाग शांत हो जाता है, वो अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है, वो उन कदमों के बारे में एकाग्रचित हो जाता है जो वो दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। जैसे वो खुद को सही साबित करना छोड़ देता है, वह ज्यादा पॉजिटिव बन जाता है। तो दोस्तों आज के बाद किसी भी चीज के लिए दूसरे को दोष देना छोड़ दें, अतीत की घटनाओं के बारे में अफसोस और शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके बजाय अपना रुख भविष्य की तरफ रखें और इसके बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और कहां जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। लक्ष्यों के बारे में सोचने भर से ही आप सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं। बड़ी हैकेट ने एक बार कहा था, मैं कभी द्वेष नहीं पालता। जब आप जल भून रहे होते हैं तब आपके शत्रु नाच गा रहे होते हैं।